बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर कस्टमर। मारिया बी का ब्राइडल का ये आर्टिकल है, इसका कोड है मैली, ठीक है। एक कोड ये भी मेंशन है, एक ये भी मेंशन है। ये तकरीबन ओरिजिनल सूट 9 लाख रुपीज़ के करीब है, ठीक है। इसको हमने सेम एज़ ओरिजिनल बनाने की कोशिश की है। अनफोल्ड करते हैं डिटेल के साथ, इसकी आपको सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैब्रिक की। ऑर्गेन्जा का पूरा फैब्रिक है। अच्छा, मैंने फ्लोर पे बिछाया है अपने इसके, और ये पिक्चर में है, ये लाइनिंग के साथ स्टिच हुआ हुआ है, तो लाइनिंग के साथ जो शेड आ रहा है आपको वो पिक्चर जैसा ही होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने फ्लोर पे बिछाया तो कलर थोड़ा सा लाइट हो रहा है, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा जब इसके नीचे लाइनिंग आएगी, क्योंकि लाइनिंग हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो लाइनिंग आपने खुद अपने बॉडी के हिसाब से लेनी है, तो लाइनिंग के साथ ये कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा जैसा पिक्चर में है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैब्रिक की। ऑर्गेन्जा का पूरा फैब्रिक है। मैंने इसको थोड़ा सा कलियाँ जो हैं इसकी आपस में ज्वाइंट करके रखी हैं फ्लोर पे, ठीक है ना। 6 कलियाँ इसके साथ हैं। एक कली की डिटेल आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं, पूरा मिरर फॉयल वर्क के साथ काम है, ठीक है। पूरा हैंड एम्बेलिश अड्डा वर्क के साथ काम है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो है सीक्वेंस का और जरी का बहुत काम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी एक कली है। जाहिर सी बात है, इसकी ब्यूटी, इसका लुक जो है वो लाइनिंग लगने के बाद और फिर स्टिच होने के बाद ही आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ऐसा लुक आ जाए पिक्चर जैसा। तो ये आप देख सकते हैं, एक कली मैंने आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दी है, जिसके अंदर सारा आपको इजीली हैंडवर्क का काम नज़र आ रहा है, ठीक है। सारा जो जो इसके अंदर काम हुआ है, सबसे मेन चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिरर फॉयल यूज़ हुआ हुआ है, जो सेम ओरिजिनल में जिस तरह यूज़ हुआ हुआ था उसी तरह, ठीक है। ये इसकी एक कली है, इसी तरह इसकी जो है ये बाकी कलियाँ भी आप देख लें। 6 कलियाँ इसके अंदर टोटल फ्रंट की, ठीक है। फ्रंट की जो 6 कलियाँ हैं वो पूरी हैंड एम्बेलिश है, जैसा कि मैं आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, वीडियो में हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। कस्टमर बोलते हैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं आप, तो फिर जाहिर सी बात है लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर आपको चीज़ का समझ में कैसे आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे एक बहुत बड़ा सा जो है वो बॉर्डर है, तो हमने भी जो है पूरा हैंड एम्बेलिश के साथ ये नीचे पूरा एक बॉर्डर दिया गया है, जो कि पूरा राउंड घूमेगा। ये सारा बॉर्डर भी मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। सारा थ्रेड, जरी, सीक्वेंस, अड्डा वर्क के साथ ये सारा काम है। वही बात है कि बनने के बाद इसकी असल ब्यूटी आएगी, और इसके लिए आपको टेलर भी कोई अच्छा चाहिए होगा, क्योंकि टेलर अमूमन जो है वो सूट ख़राब कर देते हैं। हमें ऑनेस्टली काफ़ी कंप्लेंस आती हैं इस चीज़ की कि टेलर ने हमारा सूट ख़राब कर दिया, तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा देखनी होगी, ठीक है। ये पूरा एक बॉर्डर है। अब एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको, ये पूरा जो है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके अपर योक की। अपर योक की तरफ थोड़ा सा मैं लेके आया हूँ। ये भी ऑर्गेन्जा की है, हैंड एम्बेलिश पूरी अपर योक है, ठीक है। हो सकता है पिक्चर वीडियो में आपको इतनी खूबसूरत नहीं लग रही हो, लेकिन रियल में जो है काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी डीप काम है इसके अंदर, जाहिर सी बात है इसमें भी नीचे लाइनिंग आएगी तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी ये। अभी एज अ फ्लोर टाइल के ऊपर है, टाइल जो है वो वाइट कलर की है, तो थोड़ा सा कलर खिलता खिलता सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इसकी पूरी अपर योक है, और अपर योक के साथ अगर आप इसकी कलियाँ देखें तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कलियाँ वलियाँ सारी चीज़ें किस तरह से हैं। बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं इसकी, ठीक है। ये जितनी जगह थी उस हिसाब से जितनी चीज़ें नज़र आ सकती हैं एक वक्त में, ये मैंने आपको दिखा दी है। अच्छा, आप देखें, मैंने थोड़ा सा बैक का हिस्सा कवर करने की कोशिश की, जितना मेरे पास जगह है उस हिसाब से, ठीक है। अब क्योंकि बैक का आपको हिस्सा पिक्चर में नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बैक की योक है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको फ्रंट की योक दिखाई थी, ये फ्रंट की योक है पूरी हैंड एम्बेलिश, इसी तरह ये बैक की योक मैंने रखी है। ये भी आप देख सकते हैं, ये हैंड एम्बेलिश नहीं है, लेकिन पूरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड मिरर फॉयल वर्क थ्रेड जरी सीक्वेंस के साथ है। इसके बाद बात कर लेते हैं बैक की कलियों की, तो बैक की कलियां भी जो है वो मैंने जितनी जगह है उस हिसाब से रखी हैं। ये एक कली आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। इसी तरह आपको 6 कलियां मिलेगी। 3 कलियां मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 कलियां ये आपस में जॉइंट होंगी, तो जो है आपको इसका असल व्यू नज़र आएगा। और जिस तरह फ्रंट के लिए हैवी एम्ब्रॉयडर्ड नीचे का बॉर्डर था, उसी तरह जो है इसके लिए भी बॉर्डर दिया गया, ये आप देख सकते हैं। ये हैंड एम्बेलिश नहीं है, जो वो था वो पूरा हैंड एम्बेलिश था फ्रंट का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा, ये पूरा इसका बैक का हिस्सा है, ठीक है। और थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखना है तो वो देख लें। ये पूरा फ्रंट का है, थोड़ा सा कैमरा मैंने ऊपर किया है और ये आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्लीव्स की। अच्छा, पिक्चर में तो आपको स्लीव्स इतनी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो है ये इसकी स्लीव्स है, ये आप देख सकते हैं पूरी हैंड एम्बेलिश,
अड्डा वर्क के साथ, और ये जो है हैंड एम्बेलिश स्लीव का बॉर्डर भी दिया है। ठीक है, काम आप देख सकते हैं सारा हैवी काम है, अच्छी खासी हैवी मैक्सी है ये। ठीक है, ये पूरी इसकी स्लीव्स हो गई। अब जितनी जगह है उस हिसाब से जो है वो मैंने स्लीव्स को ओपन करके दिखाया। अब आपको उसका दुपट्टा भी दिखा देते हैं। अब आ जाते हैं दुपट्टे की तरफ। तो दुपट्टा ये आप देख सकते हैं, ये इसका पल्लू है। ठीक है, ये पूरा रेडी करके हमने कटवर्क के साथ दिया। अच्छा, नेट का दुपट्टा है। ठीक है, नेट का दुपट्टा है, कटवर्क के साथ ये पूरा इसका पल्लू लगा हुआ है। और ये जो है इसकी माथा पट्टी है, फ्रंट और बैक माथा पट्टी ऊपर और नीचे इसी तरह से लगेगी। ये पूरा दुपट्टा है इसका। ठीक है, बीच में जो है एम्ब्रॉयडर्ड बूटियाँ बनी हुई हैं। ये पूरा जो है आपके सामने इसका दुपट्टा है। ठीक है, कलर भी आपने देख लिया, दुपट्टा भी आपने देख लिया। एक दफ़ा पूरे इसका ओवरव्यू देख लें। जो चीज़ जैसी दिखाई जा रही है और जो चीज़ जैसी बताई है आपको, ये सारी चीज़ आपको सेम एज इट इज़ ही मिलेंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं एक उसके अंदर जो है ये पूरा इसको कवर कर लूँ। तो जितनी जगह है उस हिसाब से जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको पूरा कवर अप किया है। ठीक है, थैंक यू।